सो यू ऑल लव माई बॉन्स ऑल्स आपको हमेशा ही उस पर बहुत प्यार आप ऐसा भर भर के डालते हो सो आई होप ये वाला भी आपको पसंद आए सो बेसिकली बॉन्स कॉर्नर इज अ इंस्टाग्राम ब्रांड लाइक मेरे हिसाब से इंस्टाग्राम ब्रांड ही है वो आपने सुना होगा मे बी सो मैंने इनके दो हॉल्स पहले भी करे हुए हैं मैं आपको लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में इसके बाद देखना इसको पहले अच्छे से इन्जॉय करो सो so, उनके साल में एक बार ही सेल आती है जो मैं हमेशा अपनी स्टोरीज पे डालती हूँ अगर आपने नहीं मेरे को इंस्टा पे फॉलो किया हुआ तो कैसी और बैड में हमेशा सारी सेल्स की आपको रिकमेंडेशन और अलर्ट्स देती हूँ एटलीस्ट क्योंकि मैं तो बहुत ऐसा मेरी हॉबी यही है शॉपिंग के लिए स्क्रॉल करना सो so, आपको सारी डिटेल्स देती हूँ सो मेक श्योर टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहे सेल्स के अनफॉर्चुनेटली अभी उनकी सेल खत्म हो चुकी है बट इसमें काफी अच्छे आर्टिकल्स है जिनकी प्राइजेस नॉर्मली भी ठीक है लाइक सेल में इतना कुछ इस बार डिफरेंस नहीं था जैसे पिछली बारी पिछली बारी सेल में हाँ पिछली बारी इनकी काफी सेल अच्छी थी लाइक बहुत प्राइजेस डिफरेंस था बहुत अच्छा लाइक बहुत अच्छी सेल के प्राइजेज थे इस बार आई वुड से कि इतने अच्छे प्राइस नहीं थे सेल के कुछ ज्यादा खास डिफरेंस था नहीं नॉर्मली अभी भी इतनी प्राइजेस कुछ चल रहे हैं सो या आई वुड से यू कैन गेट रियली गुड इन दिस हॉल बेसिकली विंटर्स का आपको कुछ भी नहीं मिलेगा बिकॉज आई एम नॉट अ नॉटर शॉप मेरे को विंटर्स का कुछ ऐसा खरीदना पसंद नहीं है मैं सिर्फ नॉर्मल मार्केट से ले आती हूँ बट समर्स यू समो वी हैव अ होल बॉक्स एंड पैकेजिंग है उथड़ा पुथड़ा है ऐसा नहीं है इसके ऐसा समझ गए ना वैसे ही होल बॉक्स एंड काफी अच्छी शॉपिंग करी हाँ इसमें एक दो uh, विंटर के पीसेज भी है सो मेक श्योर कि आप वो भी देखो क्योंकि बहुत अच्छी विंटर क्वालिटी होती है इनकी ट्रस्ट भी एंड इफ यू आर अ बॉय वॉचिंग दिस आई थिंक ये भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा क्योंकि इनकी टी शर्ट जो है वो यूनिसेक्स होती है लाइक नॉर्मल मेन्स में भी वही सेम होती है वुमेन्स में भी वही सेम होती है तो येस दिस माइट भी हेल्पफुल फॉर यू एज वे विदाउट एनी चपर चपर लेट्सा सो मैं बहुत छोटा शॉर्ट ब्रीफ दे देती दे हूँ इनके बारे में जो उसको नहीं पता पोंकस के बारे में ताकि उनके लिए हेल्पफुल हो इनकी डिलीवरी काफी अच्छी है मैंने जब ऑर्डर प्लेस किया था एक इस हफ्ते के अंदर ही मुझे ऑर्डर रिसीव हो गया था ऑनलाइन पेमेंट इज वेरी सेफ उसमें आपको कुछ डिस्काउंट और मिलता है अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो सीओडी में आपको हंड्रेड रुपीज एक्स्ट्रा कुछ ऐसा यू नो you know, देने पड़ते हैं सीओडी में आपके पास एक कॉल आता है कि आपका ऑर्डर कंफर्म है या नहीं अगर आपने वो नहीं उठाया कॉल तो गॉड नोज आपका ऑर्डर कब आप, आपको लाइक मिले सो या मेक श्योर कि अगर ऑनलाइन हो पाए तो जस्ट डू ऑनलाइन क्योंकि काफी सेफ पेमेंट है इनकी मतलब ऐसे कोई डरने की बात नहीं है एंड डिलीवरी काफी अच्छी है ऑर्डर प्रोसेस इज वेरी स्मूथ सो येस यू कैन चेक इट आउट फर्स्ट इज द जंगल टेल ओवर साइज टी शर्ट इन के ओवर साइज इज ओवर ओवर साइज लाइक बहुत ओवर साइज सो फर्स्ट इज दिस टू कलर टी शर्ट इसमें यहाँ पे द जंगल करके प्रिंट है एक बार ही दिखाती हूँ अच्छे से द ग्राफिक प्रिंट है बेसिकली ग्राफिक प्रिंट टी शर्ट जो चली थी मेन हाइप बॉन्कर से ही क्रिएट हुई थी आई वु से दैट की इन्होंने काफी अच्छी हाइप क्रिएट करी थी सो द क्वालिटी टॉप नॉच लाइक बहुत फाइन फैब्रिक है खराब नहीं होता अभी भी मेरे पास काफी बॉन्स के कपड़े लाइक काफी ज्यादा आप पिछले दो हॉल्स देखना बहुत सही सही कपड़े हैं वो भी अभी तक भी दो साल हो गए फर्स्ट हॉल से भी दो साल हो गए अभी तक एक भी कपड़ा खराब नहीं हुआ है सो so, आप देख सकते हो क्वालिटी इज वेरी गुड इनका जो ग्राफिक प्रिंट होता है ना लाइक ये ये बिल्कुल भी रबड़ वाला नहीं होता है कि आप ऐसा रबड़ में हो धो धा के निकल जाए ऐसा रबड़ रबड़ में टी शर्ट है सो उनका भी अभी तक प्रिंट काफी अच्छा है एंड आई वुड हैव टू से दैट इनकी साइजिंग इज वेरी ओवर साइज मैंने साइज ऑर्डर किया था एस एंड इट्स वेरी ओवर साइज एज यू कैन सी बट आई लव इट एंड आप मे बी सबसे छोटा साइज मंगाओ अगर आप जैसे मेरे से थोड़े से भी हेल्थियर हो सो आई थिंक यू कैन गो हॉ दी स्मॉलेस्ट साइज एज वेल क्योंकि बहुत ओवर साइज है इनका एंड लुक एट दी स्ली स्लीव मेरे यहाँ तक आती है ट्रस्ट मी बट मेरे को कोई इशू नहीं है यू कैन ऑर्डर द स्मॉलेट साइज़ जो भी मैं बताऊंगी वो मैं वो बताऊंगी जो मुझे मिले हैं और जो अभी प्राइस चल रहे होंगे मैं वो भी मेंशन कर दूंगी स्क्रीन पे कि अगर आपको पसंद हो तो आपको उसी अकॉर्डिंग आइडिया मिले सो so, मेरे को ये पड़ी फोर फोर सेवन की फोर फिफ्टी रुपीज़ की विच आई थिंक इज अ ग्रेट प्राइस फॉर अवर साइज ग्राफिक टी शर्ट इन सच अ गुड क्वालिटी एंड काफ़ी ट्रेंडिंग प्रिंट एज यू कैन सी इसका पूरा लुक है बाकी आपको ट्राई ऑन में अच्छे से दिख जाएगा मोर लाइक अ ड्रेस बट नहीं काफ़ी अच्छा है एंड ट्रस्ट में अगर आपको ऐसा स्टाइल वाले कपड़े पसंद है ना दिस हॉलिस फॉर यू इसमें बहुत सुंदर स्टाइलिंग के कपड़े हैं बहुत अभी दिखाऊंगी बहुत खुशी हो रही है मुझे पता नहीं क्यों क्योंकि कपड़े हैं सो नेक्स्ट इज़ अ मार्वल टी शर्ट यू आर अ मार्वल फैन जस्ट गो फॉर इट क्योंकि बहुत अच्छी है ग्राफिक प्रिंट इज टू गुड आपने अगर किसी ने मेरे पास पहले भी देखी हो तो यस ये थी बट अभी ये दी ने ऑर्डर करी है और मेरी वाली नहीं है अब मेरे पास सो so, सो so, इसका पीछे भी ऐसा प्रिंट है एंड आगे भी ऐसा प्रिंट है एंड इनके यहाँ पे ना कुछ ऐसा यहाँ पे कुछ ऐसा बॉन्स का लोगो है और इस पे जो भी लाइक इनका थीम होता है जैसे किसी भी उसके साथ कॉल आब करता है के साथ तो के इस पे लोगो आएगा और उन्होंने बहुत लोगों के साथ ऐसा बहुत कार्टून के से वो निकाले हैं एंड मैं हर हरी साइज और क्वालिटी का नहीं बताऊंगी क्वालिटी इज टॉप नॉच सेम क्वालिटी है हर रबर प्रिंट अभी तक बहुत बढ़िया है एंड इसमें साइज था एक्सेस टिल ओवरसाइज लाइक अपने साइज के अकॉर्डिंग ही मंगाना जो भी साइज होना आपका ओवर साइज आएगा ही अगर नहीं पसंद then you should try it. ना जो मैंने इसको पहना था ऋषिकेश में पहनी थी so पॉपअप कर दी थी तो मैंने काफी अच्छे से स्टाइल की थी सो आई लव इट सो इसका प्राइस था फोर नाइन सेवन फाइव हंड्रेड रुपीज इज अ वेरी गुड प्राइस एंड इसमें साइज था एक्सेस सो या मिल जाएंगे एंड इस बार हमने कोई बॉटम नहीं मंगाई पता नहीं कैसे मतलब इस मेरे को बॉटम इतनी खास लगी नहीं इनकी पर बॉटम्स मेरे पास बॉटम की है एक दो दो या तीन है so, मैं वो पिक्चर like आप कर दोनों हॉल दोनों हॉल पिछले देखना आपको पता चलेगा कितनी अच्छी क्वालिटी है अभी तक जो कि चल रहे हैं सो नेक्स्ट भाई मैं बता रही हूँ तो शब्द नहीं है इसका नाम बता देती हूँ पहले तो मैं आप इसका नाम है सेज यूटिलिटी क्रॉप टॉप कलर सेज आए यही है क्या इसका नाम हाँ वैसे तो यही लग रहा है मुझे स्टाइल इतना डोप लगा लाइक इसका ना यहाँ पे दे, डिटेलिंग देख लो एक बारी बस ये ऐसा पूरा हाई नेक है यहाँ से ऐसा यह हॉल्टर नेक नहीं कहते कुछ और नेक कहते हैं यहाँ आप समझ गए ना ये है सो इसमें ऐसा यहाँ पे जिप है ठीक है जिप के बाद नीचे आपको ये दो यहाँ पे डिटेलिंग मिलती है विच इज़ फॉर हैसन ओनली ऐसा कुछ इसमें काम का डिटेलिंग है नहीं सो so, ये है और नीचे सेम ज़िप है प्लस इसके बाद इसकी यहाँ पे दो ज़िप है पॉकेट है क्या नहीं पॉकेट नहीं है सिक्का आ जाएगा पर एक रुपये का हाँ सो so, यहाँ दोनों साइड इसमें ऐसी डिटेलिंग है प्लस इसमें ना साइड में जैसे आपको थोड़ा सा लूज टाइट हो या लूज हो बेसिकली लूज हो तो आप इसको यहाँ से ऐसा स्ट्रेच करके टाइट कर सकते हो पीछे डालने की जगह है नहीं बस इसको आप ऐसे टाइट कर सकते हो मैंने करा था तभी मुझे थोड़ा फिटिंग में था मेरे को अभी भी ये थोड़ा सा लूज है ये मेरे को टाइट तो कराना पड़ेगा थोड़ा बहुत प्लस ये पहन के इतना लाइक मैं इसके लिए सारे इसमें ना सारे वाइब जा रही थी स्ट्रीट स्टाइल भी जा रही थी ऐसा बहुत वो क्लासी सा भी लग रहा था थोड़ा सा बॉस वुमेन टाइप भी वाइब आ रही थी क्योंकि इसका ना है थोड़ा वैसा लुक जो पैटर्न है इसका बहुत वैसा बॉस ही बॉस ये तो वन ऑफ माई फेवरेट पीस फ्रॉम दी होल हॉल क्योंकि होल हॉल बहुत अजीब नहीं लगा सिमिलर मेरा मतलब वन ऑफ द फेवरेट क्योंकि पूरे हॉल में से ना बहुत स्टाइलिश पीस भी हैं कुछ कुछ एंड उनमें से है तो मेरा फेवरेट है सो इसका प्राइस कितना था सो so, इसका ओरिजिनल प्राइस आई गेस एट नाइन्टी नाइन लिखा हुआ है इसमें एंड अभी मतलब मुझे ही पड़ा फाइव फिफ्टी रुपीज का रुपीज फाइव <laughs> फिफ्टी रुपीज का सो so, <laughs>

इट इज बेस्ट बहुत सुंदर है सो नेक्स्ट इज ऑल्सो टी शर्ट अगेन फ्रॉम मार्वल मेरी भी बहुत बड़ी मार्वल की फैन है सो so यस yes, इसमें एक नाम क्या था इसका आयरन मैन कुछ करके होगी सिग्नेचर आयरन मैन ओवर साइज टर्ट इसमें किया है एस एंड इसका प्राइस अगेन फाइव हंड्रेड रुपीज इज अ गुड प्राइस टू पे पर इसका साइज मतलब हमें तो ओवर साइज पसंद है बट हाँ बहुत लोग ऐसा इतना ओवर साइज भी नहीं पहनते पीछे पूरा आयरन मैन बना हुआ देख लो एंड यहाँ पे भी आयरन मैन लिखा है पूरा पीछे भी ऐसा पूरा सब बना हुआ है बहुत बड़ी टी शर्ट है सो so, सो so बहुत ही प्यारा कलर है सूदिंग सा कलर है इसका सो so, यस yes, इसमें पीछे ना कोई पीछे कुछ ऐसा बहुत बड़ी कहानी भी लिखी है पढ़ के मैंने आयरन मैन देखे तो मुझे शायद समझ नहीं आएगा सो ये फाइव हंड्रेड रुपीज साइज एस बहुत अच्छी क्वालिटी है प्रिंट इज वेरी गुड इनके ना प्रिंट बहुत ऐसे धसे हुए होते हैं

एक अगर आपको दिख रहा हो तो पूरा फ्लीस मटेरियल है आपको उसमें पूरा वार्म रहेगा जो भी मौसम चल रहा है और इससे थोड़ी सी सर्दी में और बहुत बढ़िया रहेगा इसमें यहाँ पे दो पॉकेट्स भी है विच इज अ ग्रेट डील स्वेट के हिसाब से और इसका प्रिंट इज इस वेरी क्यूट बहुत ऐसा क्यूटी क्यूटी से वाइब है कलर व्हाइट कलर बहुत प्यारा है ये वाइट कलर में बहुत कम देखती हूँ ऐसा चीज़ों में ना कि इतना वाइट मेरे को अच्छा मिल नहीं पाता है सो ये काफ़ी अच्छा वाइट कलर है अगेन यहाँ पे लिखा हुआ है टोकी और उधर डोकी लिखा होगा शायद नहीं बेस्ती पर यहाँ पे कुछ और बना हुआ है दिखाती हूँ अच्छे से हाँ यहाँ पे ये यह बना हुआ है एंड इसके यहाँ पे ना इलास्टिक लास्ट में ताकि आपको यू you नो know, हवा ना आ जाए विच इज़ अगेन वेरी गुड डिटेलिंग इसका प्राइस मैं बता देती हूँ इसका प्राइस था एट हंड्रेड रुपीज़ विच आई थिंक इज अ वेरी गुड प्राइस फॉर अ स्वेट शर्ट लाइक इस क्वालिटी की स्वेट शर्ट एट हंड्रेड में मिलना इज़ अ टॉप नॉच क्वालिटी एंड अभी अभी स्क्रीन पे मैं अभी स्क्रीन पे फ्लैश कर दूँगी क्या प्राइस चल रहा है इसका सो या आई वुड से कि अगर आपको पसंद आ रही है सो जस्ट गो फॉर इट क्योंकि आएगी भी पसंद सो नेक्स्ट इज अ ड्रेस वेरी क्यूट मेरे को थोड़ी सी लूज है बमर हमेशा की तरह हमेशा हर चीज मेरे को थोड़ी सी ज्यादा लूज होती है सो so कोई नहीं पर सो इट्स अ ट्यूब ड्रेस ब्लैक ट्यूब ड्रेस देख रहे हो फर्क देख रहे हो टी शर्ट और ड्रेस में बस टी शर्ट भी इतनी थी ड्रेस भी इतनी है सो इट्स अ ड्रेस इट्स अ बॉडीकॉन ब्लैक ड्रेस इसकी क्वालिटी इज वेरी गुड लाइक बॉडीकॉन और ट्यूब ड्रेस ट्यूब बॉडीकॉन ब्लैक ड्रेस सो so, इसकी क्वालिटी इज़ वेरी थिक लाइक बहुत थिक मटेरियल है इसका एंड द गुड थिंग इज़ ये ना फॉलो ऑफ नहीं होती लाइक like, जैसा ट्यूब ड्रेसेस होती है वो फॉलो ऑफ काफ़ी मैंने देखी फॉलो ऑफ होती हैं बट आई वुड से कि आपको थोड़ा था एडजस्ट करना पड़ता है लाइक like, इतना तो ट्यूब में चलता ही है मैं तो ट्यूब का ऐसा बहुत मेरे को पसंद है ट्यूब चीज़ें पहनना इसका जो मटीरियल है इज वेरी थिक लाइक बहुत थिक मटीरियल है ऐसा बहुत ख़राब होने वाला नहीं है बट इट इज़ वेरी गुड सो इसमें साइज था मेरा एस एक्सेस था शायद अवेलेबल नहीं था अगर मैं एक्सेस मंगाती तो सो यस so, yes, इसका प्राइस था फाइव हंड्रेड रुपीज इज प्राइस क्वालिटी लाइक अगर नॉर्मल होती थे कि ट्यूब ड्रेस के लिए इतना छोटा सा पांच सौ रुपए नहीं मायने रखता बट इन दिस क्वालिटी फाइव हंड्रेड रुपीज इज अ गुड प्राइस टू पे सो ये मेरे को बहुत पसंद है एंड इसकी फिटिंग भी बहुत मतलब like, लाइक पहनी भी बहुत एलिगेंट लग रही थी एंड अगर मैंने आपको बताया कि बहुत वेज आप इसको स्टाइल कर सकते हो नक्स्ट इज अगेन अ टी शर्ट ओवर साइज टी शर्ट बहुत डोप है इसका भी कलर बहुत प्यारा लाइक like, थोड़ा उससे डार्क है बट अगेन मेरी प्यारा है इस पर लेकिन इसका बहुत प्यारी पीछे भी इसका पूरा प्रिंट है एज यू कैन सी मेरे को इसका सेंस नहीं समझ आ रहा है एक सेकिन योर वे थ्रू लाइफ है. And mm -hmm. ये जो चीज ये जो है ना कलर कंट्रास्ट वो काफी अच्छा लगा मुझे हंड्रेड रुपीज विच इज अ ग्रेट प्राइस टू पे इन दिस क्वालिटी भी प्रिंट है आगे भी प्रिंट है काफी अच्छा साइज है साइज मेरा था एस yes क्स्ट माई फेवरेट पीस फ्रॉम दी होल होल best best बेस्ट बेस्ट भाई बॉन्स पर आया था ना मेरी तब से इस पर नज़र थी एंड ऑफकोर्स क्योंकि ये बहुत सुंदर पीस है एंड मेरी वाइफ के साथ बहुत मैच करता है सो so, सो so मैं कब से वेट कर रही थी कि बॉन्स पे एक साल में एक बार ही से लगती है या तो वो एंड में लगती है साल के या फिर बिल्कुल बिल्कुल शुरू शुरू में लगती है सो so इस बार ही काफ़ी जल्दी लग गई लेकिन एक महीने पहले ही लग गई थी आई गेस पैकेज आए हुए मेरे को एक महीना ही हो चुका है सो so, तब से देखा हुआ था बॉडी सूट एंड मेरे को था कि इसको तो मुझे लेना ही लेना है सेल में कुछ भी हो जाए जब सेल आती है ना मैं बारह बजे इनकी साइट खोल के वजह थी जैसे सेल इन्होंने डाला कि सेल लगने वाली है मैं रिमाइंडर लगाती है और बारह बजे पूरे बारह बजे मैं इनकी साइट पर ऐसा पूरा खोल करना चालू कर दिया मेरा थम थक जाता है उस दिन मेरे लेजट ऐसा अंगूठा दर्द हो गया था एंड इनकी साइट बहुत लैक करती है जिस दिन सेल होती है ना नॉर्मली नहीं करती बट उस दिन बहुत लैक करती है क्योंकि बहुत लोग होते हैं साइट के ऊपर मेरे जैसे लगे पड़े होते हैं सो आर यू रेडी रेडी सो so, ये है इनका बॉडी सूट नॉर्मल बॉडी सूट नहीं है इस यहाँ पे इनका ये कटआउट है ठीक है हट यहाँ पे इनका ये कटआउट आउट ठीक है ये इनका यहाँ से फिटिंग है पूरा ऊपर तक यहाँ तक नेक है यहाँ पे कटआउट है एंड यहाँ पे दो स्लीव्स जाती हैं ठीक है ठीके? ये स्लीव्स गई सबसे एक और बेस्ट पार्ट और हाँ यहाँ पे आप ऐसा अपना थम डाल सकते हो जो यहाँ बहुत डोप चीज नहीं लगती एक बार ये दिखाऊँ क्या इसका डेडिकेट स्पेस है बहुत प्यारा लगे क्या बताऊ मैं इसके बारे में जितनी तारीफ करूँ उतना कम मैं मैं बता रही हूँ बेस्ट फिटिंग एवर यहाँ पे इसका ये बॉडी सूट जाता है तो ये बॉडी सूट जो मेटेरियल है ना लाइक ये यहाँ पे जाता है नॉर्मली लाइक जितना ही यहाँ से जा रहा है ना इतनी ऊपर से सो so, यहाँ से आपका कटआउट शो करता है आजकल बहुत ट्रेंडिंग नहीं है वेस्ट के हिसाब साइड से आपको से कट कटआउट दिखता है बॉडी सूट का मैं इसको ऑब्वियसली एजे बॉडी सूट नहीं पहन सकती नॉट कम्फर्टेबल सो इसको जीन्स के साथ पहनो एंड थोड़ा लोवेस्ट जीन्स हो या फिर पैंट्स हो जो भी है सो so, बॉटम थोड़ा लोवेस्ट हो और उसके बाद ना इसका कटआउट दिखता है ये इनके बॉडी सूट में यहाँ दो ऐसा बटन है थोड़ा मुश्किल है बंद करना हाँ टिच बटन है एंड इसका मटेरियल जो है ना नीचे वाला सो इट इज गुड क्वालिटी यहाँ पे एक पर्सन ऐसा वो लगा हुआ है फॉर दी यू नो फॉर दी नीचे वाला एरिया यहाँ पे अलग से फैब्रिक है सो so, इरिटेशन नहीं होती नीचे विच इज़ अ गुड थिंग एंड प्लीज मेक श्योर टू वेयर अंडा गार्मेंट आप ऐसा सीधा बॉडी सूट मत पहने ना सोचो खींच दिया किसी ने भाई मौत हो जाएगी मेरी तो डेथ आ जाएगी द स्पेशल थिंग अबाउट दिस इज जो मेरे को ऐसा बहुत ऐसा स्पेशल लगा मैं तो ऐसे बोल रही हूँ जैसे मेरी वो है कितनी स्पेशल चीज़ मेरी किसी ने पार्टनर से कुछ स्पेशल कर दिया मेरे को ये टू वे है बेसिकली आप इसको फ्रंट तो पहन ही सकते हो है ना इसको बैकवर्ड्स भी पहन सकते हो इसका जो ये वाला नेक है ना पीछे जो इसका पूरा डिटेलिंग है वो पूरा ये चेन है ठीक है तो आप इसका हाफ चेन खोल के भी पहन सकते हो ये बेसिकली दो वेज नहीं थ्री वेज है इसको पूरा बंद करके भी पीछे पहन सकते हो विच इज लाइक यहाँ तक ऐसा पूरा बंद उसके में आप पीछे इसको खोल भी सकते हो तो मतलब ऐसा ये मैंने खुद नहीं सोचा इनका सेंस ही यही है इनका इसका नाम भी यही है ब्लैक रिब्ड

So ड्रीम अच्छा फिटिंग तो का अलग से पर्सनलाइज हाँ सो so इसमें पूरा ऐसा यहाँ पे ग्राफिक प्रिंट है पीछे भी ग्राफिक प्रिंट है मैंने इसको पहना था आई सर्दी में ब्लैक हाई और नीचे ब्लैक पैंट्स क्योंकि इसमें ब्लैक एलिमेंट्स हैं तो ब्लैक ब्लैक ऐसा पूरा बहुत डोप लग रहा था मैं पिक्चर करके दिखा दूंगी सो अगेन वेरी गुड क्वालिटी एंड काफी अच्छी वो है, styling, में भी अच्छी है। मैं इसका प्राइस बता देती हूं, size. Size, so इसमें है विच आई थिंक गुड प्राइस टू पे फॉर टी शर्ट गुड क्वालिटी गुड स्टाइलिंग गुड साइजिंग एज वेल सो एंड एक ना इसमें वो भी था मार्बल वाली आयरन मैन नहीं आयरन मैन ही था एक चीज और थी रुको एक स्वेटशर्ट भी मंगाई थी हमने वो दी ने किसी और के लिए मंगाई थी उस किसी और को दे दी है सो so मैं मेरी पिक्चर पॉपअप कर देती हूँ ग्रेट क्वालिटी ग्रेट फिटिंग थोड़ा एम साइज मंगाया था हमने नहीं एल साइज मंगाया था भाई बहुत बड़ी साइज थी मेरे को एज अ पूरी पूरी ड्रेस आ रही थी वो नीस तक सो एल साइज मंगाई थी क्योंकि उसमें खत्म हो गए थे साइज़ेस वरना स्मॉल मंगाते बट ये पीस बहुत बड़ी है इसका प्राइस ऑरिजिनली है इलेवन हंड्रेड बट हमें सेल में पड़ी एट हंड्रेड एंड इसका फ्लीस मेटीरियल अंदर से पॉकेट्स है यहाँ पे प्रिंट बहुत अच्छा है बहुत कुल है इफ़ यू लाइक इट देन यू कैन गो फॉर इट बिकॉज क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं आएगी

क्योंकि अब बन जाओगे बेसिकली अगर आपने पुरानी बॉन्गर्स के हॉल देखे होंगे ना शायद फर्स्ट हॉल या फिर सेकंड आई एम नॉट रियली श्योर कि किस मंगाया so, में मंगाया था सो ऐसा सेम टॉप मैंने ब्लू कलर में मंगाया था एक बार मैं पिक्चर्स पॉप अप कर दी थी क्योंकि मैंने इसको बहुत बारी पहना है क्रॉप करके थोड़ा ऐसा लॉन्ग में ही सो so, बहुत अच्छा टॉप है इस बारी मैंने वो अलग कलर में मंगा लिया यू नो मी कि मैं ऐसी ही हूँ मेरे पास सेम कपड़े हो लेकिन मेरे को अलग कलर में कभी कभी चाहिए होता है अगर मेरे को बहुत पसंद होते हैं तो आई एम ग्रीन रिब्ड स्क्वायर नेक टॉप कलर लाइम ये तो बताया ही हाँ तो इसमें मेरा साइज़ था बहुत प्यारा यार क्या ही बताऊँ इसके बारे में तो आप एक बार फिटिंग देखना ट्राई ऑन में आपको थोड़ा समझ समझता आएगा मैं एक बार पुराने वाला तो मैंने आपको दिखाई ये भी सेम ही इट्स स्क्वायर नेक टॉप एंड पीछे इसका यहाँ पे ये डिटेलिंग जाती है एक सेकेंड ऐसे पीछे कट आउट है समझ थोड़ा कम आ रहा होगा ऐसे पीछे कट आउट है यहाँ से आगे से स्क्वायर नेक है इट्स अ फुल स्लीव टॉप एंड आई लव इट द मोस्ट बहुत सुंदर टॉप है ये कलर देख लो एक बार कितना यूनिक कलर है आई गेस कैमरा में सेम ही दिख रहा है सेम दिख रहा है सेम दिख रहा है क्या बात है मेरा कैमरे को सो इसकी फिटिंग इज़ वे टू गुड इसमें मेरा साइज था एक्सेस इफ़ यू लाइक इट यू कैन गो फॉर इट इसमें और भी कलर्स हैं मेरे पास पाउडर ब्लू भी है दैट वाज माय फेवरेट वन ऑफ दी फेवरेट टॉप एवर यू नो माय लव फॉर ब्लू एज वेल मेरे को ब्लू बहुत पसंद है बट हाँ अब वो मैं बहुत बारी पहन चुकी बट स्टिल मैं उसको पहनूंगी अभी भी बट ये भी मुझे अच्छा लगा तो मैंने ले लिया है स्पॉइल्ड किड इसका 450 इस प्राइस वॉज फोर फिफ्टी रुपीज़ विच आई थिंक इज़ अ गुड प्राइस टू पे फॉर अ वेरी गुड क्वालिटी क्रॉप टॉप एंड इसकी क्वालिटी हाँ मेन बात तो ये है इसकी क्वालिटी इज़ इस वेरी गुड लाइक मैं बता रही हूँ ना अभी भी मेरे सामने ही पड़ा है गे टॉप उसको दो साल से पहन रही हूँ उसकी क्वालिटी अभी भी टस से मस्त नहीं हूँ लाइक मैं उसको बहुत पहना खींच खींच के पहना है एंड मैं वैसे तो अपने कपड़े बहुत अच्छे से पहनती हूँ लाइक थोड़ा सा देख के कि ये ध्यान रखती हूँ अपने कपड़ों का अपना तो रखती नहीं कपड़ों का जरूर रखती हूँ सो so, हाँ मैं उसका बहुत अच्छे से लाइक पहनती हूँ लेकिन स्टिल उसकी क्वालिटी जेनवनली अच्छी नहीं तो अभी तक दो साल में उसको मैंने बहुत बारी धोया है मशीन में धोया ऐसा खुद से हाथ से भी नहीं धोया मशीन में धोया स्टिल उसका कपड़ा काफ़ी अच्छा है तक सो यस यू कैन गो फॉर इट इसमें और भी कलर्स हैं सो यस